दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो जो आपको शख्स आपको साइड में दिख रहा है, तो इस भाई का एक यूट्यूब चैनल था जिसमें 15,000 सब्सक्राइबर था, लगभग 15,000 सब्सक्राइबर था, और चुटकियों में डिलीट हो चुका है। और कुछ मुझे बताया इसने जिसके बारे में, बाकी ये भाई खुद ये बताएगा कि क्या हुआ इसका प्रॉब्लम। और बाकी आप लोग देखिए इस वीडियो को ध्यान से देखना, नहीं तो क्या होगा कि आगे चलकर जब आपका मुसीबत होगा तो आप भी इस मुसीबत में फंसने के बाद आप लोग कॉन्टैक्ट करेंगे फिर किसी को। तो पहले अच्छा है कि इस वीडियो को देख लो, और इस वीडियो में कैसे आपको चैनल को ग्रो करना है उसका भी आपको सीक्रेट बताऊंगा कि कैसे चैनल पर क्या क्या करने के बाद चैनल पर व्यूज आता है, सारा चीज़ बताऊंगा। तो पहले भाई आप बताइए कि आपके साथ क्या हुआ है और आप मतलब कब निकले थे अपने घर से। जी सबसे पहले तो मैं बता दूं कि यही हमारा घर लगभग यहाँ से 70 के आसपास किलोमीटर होगा, तो मैं भी निकलते टाइम अभी मेरा 2 घंटा के आसपास हुआ है और चैनल हमारा डिलीट हो गया। अर्निंग कैटेगरी का चैनल था जिसमें पता नहीं क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम, वही सब जानने के लिए क्रिएटर सर्च 2.0 से कॉन्टैक्ट किए हैं। तो फिलहाल मैं आपके पास आने से पहले मैंने सोचा कि जो मेरा खुद का टैलेंट है थोड़ा परवीन भैया को दिखाया जाए, तो मैंने फिलहाल एक छोटा सा यहाँ पे फ्रेम जो है वो परवीन भैया के लिए बनाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका जो लोगो है चैनल, भाई यहाँ पर देख सकते हो। सबसे पहले भाई ने मेरे घर आने से पहले मेरे लिए पर्सनली खुद से डिज़ाइन किया है जो कि आप देख सकते हो। बाकी ये मेरा स्टूडियो में रहेगा आज के बाद, और काफ़ी अच्छा मुझे लगा, चलिए बहुत अच्छा लगा, इसको मैं रख लेता हूँ इधर, ठीक है। बाकी मैं चलिए भाई का चैनल देखता हूँ कि इसके चैनल में क्या ऐसा दिक्कत है, क्यों रिमूव हुआ है, और इसने जो नया चैनल बनाया वो क्यों नहीं ग्रो हो रहा है। अब दोस्तों देख सकते हो साइड में जो आपको यहाँ पर दिख रहा है स्क्रीन रिकॉर्ड, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर इस भाई का जो चैनल था, चैनल यहाँ पर इसका कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक के कारण डिलीट हो चुका है। और इस भाई का सिर्फ पता है गलती क्या था, एक छोटा सा गलती था, और छोटा सा गलती के कारण इसका चैनल खत्म हो चुका है, जिसमें लगभग सब्सक्राइबर कितना था उस चैनल पर भाई, लगभग 15 के आसपास था, 15,000 सब्सक्राइबर था। और चैनल पर आप कौन सी मतलब किस टाइप का वीडियो डालते थे? उसमें अर्निंग कैटेगरी का वीडियो डालता था, जैसे प्ले स्टोर पर कोई एप्लीकेशन वगैरह आता था ऑनलाइन अर्निंग के लिए, तो उसके बारे में लोगों को बताता था, रेफर एंड अर्न वाला प्रोग्राम रहता था, तो लोग अच्छा खासा उससे इनकम भी कर लेते थे। तो ऐसा मतलब उसमें आप अर्निंग रिलेटेड वीडियो डालते थे। तो आखिर आपका जो चैनल डिलीट हुआ तो उसका रीजन मतलब क्या हुआ, स्ट्राइक आया था या फिर क्या हुआ था? यस, उसमें स्ट्राइक आया था, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक यूट्यूब की तरफ से। आपका मतलब कोई वीडियो आप कोई बनाते क्या, कौन सी वीडियो में आया था आपका? जैसे यूट्यूब के रूल के हिसाब से चैनल पे अगर 3 स्ट्राइक आए तो ही चैनल को डिलीट किया जाता है, तो मैंने कुछ प्रमोशन उसमें लिया था। तो कौन सी एप्लीकेशन का? कोई रमी एप्लीकेशन था, तो सभी में तो नहीं आया लेकिन एक एप्लीकेशन पे हमारा जो है वो ये स्ट्राइक आ गया। पहला आपको स्ट्राइक मिला था वो रमी एप्लीकेशन से। तो भाई देखिए मैं आप लोगों को अपने वीडियो में कई बार बताया हूँ कि रमी एप्लीकेशन का प्रमोशन मतलब करने से पहले सोच लेना है, और जो बड़े बड़े क्रिएटर करते हैं ना वो भी पहले सोच लेता है 1000 बार, उसके बाद ही करता है। तो रमी एप्लीकेशन कभी भी आपको प्रमोशन करना ही नहीं है, पहले आप समझ लो, इस भाई से आप मतलब सीख लो, क्योंकि ये एक बार गलती कर चुका है और चैनल रिमूव हो चुका है। तो पहला स्ट्राइक आपका रमी से आया था, अब सेकंड स्ट्राइक किससे आया था आपका? एक्चुअली सेकंड स्ट्राइक के बारे में बताएं तो देखिए, एक स्ट्राइक जब मुझे आया तो मुझे समझ में आ गया कि इन सब ऐप का जो है प्रमोशन नहीं लेना है, लेकिन सेकंड स्ट्राइक में क्या वो मेरे साथ धोखा हो गया। धोखा इसलिए हो क्योंकि मुझे पता था कि गूगल प्ले स्टोर से अगर कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड किया जाए उसके ऊपर वीडियो बनाया जाए तो वहाँ से जो है आपको स्ट्राइक नहीं आता है। लेकिन मैंने एक एप्लीकेशन के बारे में बताया, लूडो प्रो करके था, अभी भी अवेलेबल होगा प्ले स्टोर पे, उस पर मैंने वीडियो बनाया और वहां से एक स्ट्राइक आ गया। मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा कैसा, क्यों, मतलब प्ले स्टोर एप्लीकेशन से स्ट्राइक। जी लूडो प्रो एप्लीकेशन नाम भी उसका मुझे याद है, और अवेलेबल इसमें भी लिंक भी है सब कुछ। और उसमें जैसे कि आपने मुझे बताया कि उसका जो रेफर लिंक दिए थे उससे हुआ, तो भाई देखिए जो प्ले स्टोर में भी कुछ ऐसे एप्लीकेशन होता है जो कि एप्लीकेशन होता है सही और उससे स्ट्राइक नहीं मिलेगा, लेकिन उसका रेफर लिंक होता है वो किसी और एप्लीकेशन का वो ऐड कर देता है, यानी कि विदाउट प्ले स्टोर का, और उस लिंक को आप डिस्क्रिप्शन में लगाते हो तो उससे आपको मिल जाता है स्ट्राइक। तो प्ले स्टोर का भी जब भी कोई स्पॉन्सर करे तो पहले वो सोच लेना अच्छी तरह से, उसके बाद स्पॉन्सर करना। तो भाई का चैनल जो पहले था वो रिमूव हो चुका है। बाकी तो भाई आप कोई एक नया कोई अब नया चैनल स्टार्ट किया, वो कौन सा चैनल था? जी वो मैंने आप ही को सर फॉलो किया। चलिए भाई का दूसरा चैनल देखते हैं, जो कि ये चैनल आखिर इसका मतलब जो बहुत दिनों से ये भी परेशान है कि मेरा चैनल ग्रो नहीं हो रहा है, तो क्या ऐसा गलती भाई के चैनल पर है वो पहले चेक कर लेते हैं। और देखिए भाई आप लोग अगर इस वीडियो को देखते हो तो आपको भी समझ में आएगा कि चैनल पर अभी मैं आपको बताऊंगा जो कि भाई ने क्या क्या गलती कर रहा है अपने चैनल पर, और उन सारा गलतियों को आप भी मतलब उसको इम्प्रूव करके
कहीं ना कहीं आप भी अपने चैनल को मतलब ग्रो कर सकते हो, आपके वीडियोस पर व्यूज आएगा। तो कुछ आपको इंपॉर्टेंट सेटिंग भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो कि भाई के चैनल पर अभी मैं करने वाला हूँ। उन सारा सेटिंग को अगर आप भी करते हो तो कहीं ना कहीं आगे चलकर आपको भी बेनिफिट देखने को मिलेगा, जो कि भाई के चैनल पर मैंने चेक किया भी देखा कि मतलब बहुत सारे ऐसे भी मिस्टेक है अभी भी चैनल पर जो कि नहीं किए हैं भाई ने, जिसके कारण हो सकता है कि वीडियो पर व्यूज नहीं आ रहा है। तो उसको भी आप ट्राई कर सकते हो जो कि भाई के चैनल पर अभी मैं करने वाला हूँ। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, मैं सबसे पहले भाई का यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ YT स्टूडियो एप्लीकेशन। अब दोस्तों इसका जो सेकंड चैनल इसने दोबारा जब स्टार्ट किया है तो इस चैनल पर भी 1200 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है और इसका अर्निंग भी देख सकते हैं यहाँ पर $9, जो कि $9 कुछ यहाँ पर बन चुका है अर्निंग इसका, देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, $9.4, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इसके वीडियोस पर व्यूज ही नहीं आता है। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ इसका वीडियो वाला सेक्शन पर, पहले यहाँ पर देखते हैं इसके जो चैनल पर जो व्यूज आता है, यहाँ पर देखो मतलब व्यूज धीरे धीरे जो बिल्कुल डाउन की तरफ जा रहा है और उसका और एक यहाँ पर 48 घंटे के भीतर सिर्फ 3600 व्यूज आ रहा है और ये जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करता है तो इसके लेटेस्ट वीडियोस पर व्यूज नहीं आता, जबकि भाई को मतलब बहुत दिन से काम कर रहा है। आपका यूट्यूब पर मतलब कितना टाइम हो चुका है लगभग? अभी टाइम बताए तो बहुत टाइम हो चुका है। 2016 में मैंने एक चैनल ओपन किया था लेकिन पढ़ाई वगैरह के चक्कर में बीच बीच में स्टॉप हो जा रहा था। तो देखिए, हम चैनल को स्टार्ट किए 2018 में और भाई ने 16 में स्टार्ट किया, यानी कि मेरे से पहले और पहले स्टार्ट किया है। तो कहीं ना कहीं इतना स्ट्रगल करने के बाद भी अगर भाई के चैनल पर व्यूज नहीं आ रहा है तो कुछ तो जरूर प्रॉब्लम होगा। वो चीज़ मैं अभी चेक करके वो सारा सेटिंग अभी करने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो आपको यहाँ पर देखना, इसका वीडियोस पर जो व्यूज आता है 17, 21, 20, यानी कि जिस प्रकार से मेरा कंडीशन था आज से 1 साल 1.5 साल पहले, वही सेम कंडीशन भाई के साथ है। अब चलिए आपको दिखाता हूँ इसका चैनल को, चेक करते हैं कि क्या क्या ऐसा मिस्टेक इसके चैनल पर है जिसके कारण हो सकता है इसका वीडियो रिकमेंड नहीं किया जा रहा है। और अगर आपका वीडियो सही है, अगर YouTube रिकमेंड नहीं कर रहा है, तो उसका भी कुछ ट्रिक होता है जो अभी मैं भाई के चैनल पर करने वाला हूं और उसको करने के बाद कहीं ना कहीं आपका वीडियो थोड़ा सा और रिकमेंडेशन बढ़ेगा, उससे होता है इंप्रूवमेंट, ठीक है। तो मैं आपको वो चीज़ पहले आपको चलिए दिखाता हूं। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं इसके भाई का क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेता हूं। अगर आप भी अपने चैनल पर जाकर इसको जरूर चेक करना कि आपने इन सारे सेटिंग को ऑन करके रखा है फिर नहीं करके रखा है। और भाई का सबसे बड़ी ये जो अभी दूसरे चैनल पर काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक किया अपने चैनल पर जिसके कारण हो सकता है इसका वीडियोज पर व्यूज अभी नहीं बढ़ रहा है। तो वो कौन सा मिस्टेक, चलिए चेक कर लेते हैं। तो यहां पर मैंने क्रोम ब्राउजर ओपन कर लिया। अब यहां पर मैं सर्च कर लेता हूं यूट्यूब, जो कि उसके बाद यहाँ पर BTI स्टूडियो को निकालना होता है, उसके बाद ही वहाँ से किया जाता है कोई भी आपको चीज़ करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर YouTube सर्च कर लिया क्रोम ब्राउजर में। अब यहाँ पर ऊपर 3 बिंदु पर क्लिक करके यहाँ से मैं डेस्कटॉप साइड को पहले कर लेता हूँ और वहाँ से जाकर मैं भाई के चैनल पर चलिए देखता हूँ कि कौन कौन सा सेटिंग नहीं किया गया। और कुछ सेटिंग मैंने चेक किया जो कि मतलब भाई ने अभी तक किया ही नहीं है, तो हो सकता है उसके कारण रिकमेंडेशन नहीं कर रहा है। और नए चैनल को अक्सर YouTube रिकमेंड नहीं करता है, तो कुछ ट्रिक लगा करके आप अपने वीडियो को रिकमेंड करा सकते हो। चलिए मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, अब मैं क्लिक कर लेता हूँ लोगों पर और यहाँ पर आपको इसके लिए 2 नंबर में क्लिक करना पड़ता है YouTube स्टूडियो पर, ठीक है। YouTube कोई भी काम करना अगर अपने चैनल पर तो आपको YouTube स्टूडियो को ओपन करना होता है। तो यहाँ पर भाई का मैंने देख सकते हैं यहाँ पर जो कि क्रिएटर स्टूडियो ओपन कर लिया हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए भाई ने कौन कौन सी गलती किया है जिसके कारण भाई का चैनल हो सकता है कि ग्रो नहीं हुआ है, तो आप लोग भी अपने चैनल पर जाकर चेक कर लेना। अब पहली गलती यहाँ पर देखिए, मैं जैसे भाई का चैनल के यहाँ पर गया सेटिंग, नीचे सेटिंग वाला आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर देखिए मैं चैनल पर क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। अब चैनल पर जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले भाई कंट्री को सिलेक्ट नहीं किया है, कंट्री अपने सेलेक्ट नहीं किया है, जो कि कंट्री यहाँ पर मैं अभी सिलेक्ट करने वाला हूँ। तो आप लोग भी जरूर चेक करना, अगर आपके वीडियोज़ पर मान लीजिए 20-25 व्यूज आ रहा है, क्या पता एक गलती के कारण आपके वीडियोज़ पर व्यूज नहीं आ रहा है, तो कंट्री आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। मैं भी इंडिया पे चलिए सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं कंट्री सेलेक्ट कर लिया। अब दूसरा जो प्रॉब्लम भाई के चैनल पर मैंने देखा, जो कि देख सकते यहाँ पर कीवर्ड वाला जो जगह है पूरा ब्लैंक है। अब कीवर्ड का जगह पूरा ब्लैंक है और नया चैनल को ऐसे भी प्रमोट नहीं करता यूट्यूब। तो मैं आप लोगों को अपने कई वीडियो में बताया हूँ कि अगर आपका कीवर्ड में, अगर मान लीजिए आपका वीडियो अगर रिकमेंड नहीं कर रहा है, तो कीवर्ड में आप अपने से जो पॉपुलर क्रिएटर है उसके नाम को यूज कर सकते हो। उससे क्या होता है कि आपका रिकमेंडेशन थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है आपका वीडियोज़ का। बाकी जब अपना चैनल को मोनेटाइज करने जा रहे हो तो उस टाइम उन सारे कीवर्ड को थोड़ा सा रिमूव कर दो और मोनेटाइज करके फिर से लगा सकते हो। तो मैं अपने कई वीडियो में बताया हूँ और इससे काम होता है, इससे पता है मैं अपने चैनल का ग्रोथ किया हूँ, इससे मैंने भी यूज किया हूँ इसको, अभी तक कोई दिक्कत मुझे अभी तक नहीं हुआ देखने को। तो यहाँ पर मैं चलिए कुछ कीवर्ड डालने वाला हूँ। तो अब यहाँ पर कैसे आपको कीवर्ड डालना है वो यहाँ पर देखो। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सबसे पहले चैनल का नाम, चलिए भाई का लिख लेता हूँ। तो भाई देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ कीवर्ड डाल दिया, जैसे कि इसका चैनल जो है YouTube टिप्स की रिकॉर्डिंग है, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर देखिए इसका सबसे पहले चैनल का कीवर्ड डाला हूँ, बाकी और भी कीवर्ड यहाँ पर ऐड करना है। अभी मैंने भाई को बता दिया, वो बाद में कर लेंगे घर जाकर, लेकिन अभी यहाँ पर देखिए फिलहाल मैंने कुछ कीवर्ड डाला हूँ इस प्रकार से। मतलब आपको क्या करना है, जैसे कि अगर आपके चैनल पर व्यूज नहीं आ रहा, आपका वीडियो YouTube रिकमेंड नहीं कर रहा है, तो आपको क्या करना है, अपने से रिलेटेड जो पॉपुलर क्रिएटर है जिसके वीडियोज पर ज्यादा व्यूज आ रहा है
उसका नाम को यूज कर सकते हो। बाकी जब कुछ आपका जब चैनल ग्रोथ हो जाए उस टाइम उसको हटा दो, लेकिन स्टार्टिंग में अगर आपको अपने चैनल पर व्यूज चाहिए तो अभी इन सब ट्रिक का यूज कर सकते हो। इससे कोई दिक्कत अभी तक मुझे तो नहीं हुआ है और शायद मुझे लग रहा है कि अभी तक कोई मतलब कुछ दिक्कत होने वाला भी नहीं है। तो भाई को मैंने इस प्रकार से चलिए कर दिया हूँ, बाकी इसको सेव कर लेते हैं यहाँ पर। और बाकी और कुछ सेटिंग जो कि चैनल पर अभी करने के बाद हो सकता है कि आपका चैनल पर क्या पता कि व्यूज और इंक्रीज हो जाए, यूट्यूब रिकमेंड नहीं कर रहा, क्योंकि भाई को देखिए 6 साल हो चुका है, तो 6 साल में इसको अच्छी तरह से एक्सपीरियंस हो चुका है कि कैसे चैनल पर क्या काम करना है, कैसे वीडियो बनाना है, लेकिन फिर भी यूट्यूब रिकमेंड नहीं कर रहा है। तो हो सकता है कि इन सारे सेटिंग को करने के बाद अगर आपका वीडियो रिकमेंड करना स्टार्ट कर दे तो जरूर ट्राई करने में किया जाता है। तो यहाँ से मैंने 2 सेटिंग कर दिया और इन दोनों को करने से बहुत ज़्यादा मैटर करता है वीडियो में, ठीक है। तो मुझे जो अच्छा लगा मैंने यहाँ पर कर लिया, आप भी इसको ट्राई कर सकते हो, देख सकते हो। बाकी मैं जाता हूँ, चलिए यहाँ पर और कुछ देख लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए बाकी इधर तो सारा चीज़ ठीक है, भाई के चैनल पर कोई दिक्कत है नहीं क्योंकि ऑलरेडी इसको पता है सारा चीज़। तो दोस्तों भाई के चैनल पर यही 2 सेटिंग मैंने देखा जो कि ऑलरेडी मतलब करके रखा नहीं था, तो मैंने दोनों सेटिंग कर दिया और आप लोग भी अपने चैनल पर चेक कर लेना। बाकी मैं चलिए चलता हूँ, अब यहाँ से देख लेते हैं कि भाई के चैनल पर YouTube एप्लीकेशन में ओपन करके यहाँ से देखते हैं। मैं क्रिएटर स्टूडियो को ओपन कर लेता हूँ YouTube एप्लीकेशन में और यहाँ पर देखिए सारा चीज़ ठीक है, ठीक है ना। अब लेकिन देखिए भाई अभी चैनल स्टार्ट किए हैं तो भाई के चैनल पर अभी 1000 से कुछ ज़्यादा सब्सक्राइबर हुआ, तो अभी टाइम तो लगेगा। तो भाई सबसे पहले देखिए आपको मेहनत तो करना होगा, अभी अगर आपको चैनल का अगर ग्रोथ चाहिए तो आपको मेहनत तो करना होगा अभी स्ट्रगल। और बाकी देखिए आप चैनल पर जो गलतियाँ पहले कर चुके थे वो सब गलती आपको नहीं करना है। बाकी भाई अब जो गलती आपने पहले जो गलती करके अपने चैनल को रिमूव कर दिया वो गलती आप लोग दोबारा, आप जैसे कि कोई भी जो एप्लीकेशन का आप जो स्पॉन्सर किए हो तो उन सारे एप्लीकेशन का स्पॉन्सर अब मत करना। और बाकी भाई चलिए भाई का चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो। तो बस ये सब जो गलती बताया ये सब गलती आप लोग मत करना। बाकी अगर आपने इन सारे सेटिंग को अगर अपने चैनल पर नहीं किया है तो जाकर आप कर सकते हो, इससे आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा जरूर अपने चैनल पर। तो चलिए मिलते हैं दूसरा वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।